सही वक्त पर यहाँ आ गए हो। अब यहाँ मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। क्या काम है? ठकुराइन के नाम एक चिट्ठी लाया हूँ। उसके लिए ये बाजा क्यों साथ लाए हो? इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। थोड़ा पानी मिलेगा? आते ही हुकुम चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी लाता हूँ। सुनो, ठकुराइन ऊपर है, बड़े गर्म मिजाज वाली हैं। तुम यहाँ खड़े हो, लो पानी पियो। नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, पियो। एक मिला ना, मुझे तो दो मिले। ठकुराइन के एक चाटे के 10 रुपए, दो मारे तो 20 रुपए। आज मुझे दो मिले इसलिए 20 रुपए की कमाई हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, ठकुराइन के हाथों में तेल लगा हुआ था और उस तेल वाले हाथ से मुझे मारा, इसलिए आज शाम को स्नान करते वक्त मुझे तेल लगाने की जरूरत नहीं। हनुमानलाल जी, ठकुराइन उस लड़के को ऊपर भेज दो। हुक्म। मालूम होता है ठकुराइन ने स्नान कर लिया। राम बेटे, तुम जल्दी जाओ। बोला ना वो बड़ी गर्म मिजाज वाली। क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो? गोमतीपुर से। जानते हो कुमार जी? मैंने अभी बीए पास किया। चमनलाल जी, ठकुराइन। कुमार के हमारे आउट हाउस में रहने का इंतजाम कर दो। जी आइए, आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। चलिए, साथ में गिटार भी लाए। जी जाना। लगता है तुम ठकुराइन को पसंद आ गए हो। जो भी उनके चाटे खाते हैं उन्हें वो चाहने लगती हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और 20 रुपए दे दिए। सुबह जो चाटे खाए उसके लिए। वो जिस दिन मुझे ज्यादा मारती हैं उस दिन सिर्फ मुझे चमनलाल नहीं, चमनलाल जी कह के बुलाती हैं। तुम चलो चलो। जानते हो? जानता हूं। तो गाओ।
मुझे पाए बातों ही बातों में रात बीत जाए, हम तो तड़पते रहे, हम तो तड़पते रहे, तड़पते रहे। अरमां यही हम तुझ में समा जाए, और बाहर भाग गए। मैं और सुखिया उनके पीछे भागे और पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। बंद तो किया मगर ठाकुर साहब ने कुछ नहीं खाया। बकवास बंद करो और दफा हो जाए। जाना ही है, कल सुबह चले जाना। मगर हमारी मानो तो ना जाने में ही भलाई है। तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम हमने किया है। हमारे पास जो सिफारिश लाए थे उसके आधार पर तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे हम। हमें ना जाने क्यों तुम्हें देखकर अपनापन महसूस हुआ। आइए, आप बरसों से हमारी एस्टेट की देखभाल करते आ रहे हैं, अब आपको आराम की जरूरत है, इसलिए आपको बर्खास्त करते हैं। बदले में इस नौजवान को मुकर्रर करते हैं। घबराइए नहीं, आपको घर बैठे तनख्वाह मिलाकर इसका इंतजाम हम कर चुके हैं। अपना राजीनामा दीजिए और मिस्टर राम कुमार को चार्ज सौंप दीजिए। आई अपनी ठकुराइन सोने की खान है राम कुमार साहब। कोयला ना निकल जाए चमनलाल जी। नहीं जी नहीं, ठकुराइन को मैं जानता हूँ, खुदाई करते रहो। बात सुनो, मुझे मत भूलना, कल तुम्हें अंदर घुसा देने के जुर्म में एक नहीं दो चाटे मैंने खाए हैं। मेरा आवीज में तबादला कर दो, औरतों की सेवा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खानदानी हूँ, ठाकुर साहब की सेवा करने में एक अलग शान है। कल रात वहाँ बड़ा शोर शराबा सुनाई दे रहा था चमनलाल जी, क्या था वो? वो तो बड़े राज की बात है, लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। ठाकुर साहब का शोर था वो। कौन ठाकुर साहब? इस हवेली के मालिक है वो,
ये कोई ठकुराइन नहीं है, हवेली में नाचने आई थी अपने बाप के साथ। ठाकुर ने इसे रखेल बना के रख लिया, मगर ये होशियार निकली, इसने सबसे अपने आप को ठकुराइन बुलवाया। ठाकुर साहब भी इसे ठकुराइन बुलाने पर मजबूर हो गए, यहाँ तक कि मैं भी इसे ठकुराइन कह के बुलाता हूँ। तो फिर ठाकुर साहब कहाँ? ठकुराइन बोलती है कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन हमें उससे क्या मतलब। हम सब अपना काम देखकर यहाँ रहे तो आराम से रह सकते हैं। हाँ, मैं तो एक जरूरी बात बताने यहाँ आया था। ठकुराइन ने कहलाया है कि हवेली में तुम फौरन आ जाओ और फिर आते वक्त टेंट वेंट लगाना मत भूलना। कहीं बाहर जाना चाहते हैं, देर मत करना। भाग गए हो क्योंकि संगीत के हम भी गुलाम हैं। हमारी आराधना और उपासना सब कुछ संगीत ही तो है। हवेली के लाल कारपेट वाले कमरे के बीच रखी हुई वीणा ही वो मूर्ति है जिसकी हम पूजा करते हैं। उस दिन जब तुम गाना गा रहे थे, हम खुद को भुलाकर खो गए। आप उदास क्यों रहती हैं? अगर तुम सुनना चाहो तो हम बताते हैं। हम तो एक गरीब घराने में पैदा हुए। हमारे पिता हवेली के एक नर्तक थे। बचपन में हमारा एक साथी था किशोर कुमार। हमने जब से तुम्हें देखा तो हमें उस कुमार की याद आने लगी। तुम दोनों में इतनी समानता है। जब तुम हमारे सामने होते हो तो गुजरे हुए 12 साल हम भूल जाते हैं कि मैं ठुकराए नहीं, सिर्फ रागनी हूँ कुमार की। इसीलिए मैं तुम्हें कुमार कह के बुलाती हूँ। ऐसे ही बुलाया करो। ठीक है। बचपन में मैं और कुमार संगीत और नृत्य एक साथ सीखे थे। पिताजी की जबरदस्ती से एक दिन मुझे हवेली में ठाकुर साहब के सामने डांस करना पड़ा।
वो मुझे अपनी रखेल बनाकर हवेली में रखना चाहते थे। क्या बोनी चलेगी, ठाकुर की हवेली की मालकिन बनने वाली है। बेशरम कहीं इतनी बड़ी हो गई पर बचना नहीं गया। अरे किशोर जा अपने घर, फिर कभी यहां आने की हिम्मत ना करना। अरे क्यों क्या देख रही है, भीतर चल। क्यूरी तेरी शर्म है, कहां मर गई? तेरे पिता को वचन दिया था मगर अब वो मर गया, उसे भूल जाओ। तुझे भी खुशी होनी चाहिए कि रागनी हवेली की मालकिन बनने वाली है। अगर वाकई तू उसकी भलाई चाहता है तो तू रुकावट नहीं बनेगा। ये मेरा हुक्म है कि आइंदा तू उसे नहीं मिलेगा। कभी हमें एक साथ जीने नहीं देंगे। जाने के लिए पैसे? मैं अपनी जेवर साथ लाई हूँ, और कुछ मत सोचो कुमार, चलो। रेलवे स्टेशन पर ही ठाकुर के आदमी और पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया लेकिन मेरे कुमार को अपने कब्जे में रखा। जब तक ठाकुर को अपनाने के लिए मैं राजी न हुई तब तक वो कुमार पर जुल्म सितम करते रहे। देखो कम से कम अब तो सच्चाई का सामना करो राजनी। ठाकुर साहब की मर्जी के बिना पुलिस वाले किशोर को लॉकअप से नहीं छोड़ेंगे। उनसे कहो कि मुझे भी मार डाले, इस दुनिया में ना सही उस दुनिया में तो हम एक होंगे। माँ जी बेटी रागिनी। अजी अब तुम यहाँ किस लिए आ गई हो? मेरी बेटी ठाकुर का रिश्ता तुम मंजूर कर वरना पुलिस वाले मेरे बेटे को मार डालेंगे। उन जालिमों ने उसे बहुत मारा। मैं पप्पी पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ। दरोगे ने मुझसे कहा कि तूने रिश्ता मंजूर नहीं किया तो लॉकअप से किशोर जिंदा नहीं आएगा। माजी अपने किशोर को बचा ले बेटी। किशोर से तुझे वाकई प्यार है तो ठाकुर का रिश्ता तो जरूर मंजूर कर लेगी। तुझे पता है एक बार तू हाँ कहके तो देख, सारे गांव में राज करेंगे हम। ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचती? मान जा बेटी मान जा, तेरे कुमार की जान बच जाएगी, मेरा और कोई नहीं बेटी। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मैं हवेली जाके खबर कर दूँ? किसी भी जहर में जा खबर कर दो, मगर एक बात,
मेरे हवेली जाने के लिए इस घर से निकलने से पहले मेरे कुमार को मेरे सामने लाना होगा जिंदा। तो फिर हम लोग हवेली चलें। गंगा की मौज में जमुना की धारा हो रहेगा मिलन हो रहेगा मिलन। उल्लू की बचिया पति सुहागरात मनाने के लिए पत्नी के पास जब आता है तो दरवाजा बंद करके जाना चाहिए ना। नहीं सुंदरी हमसे शर्मा रही हो? कोई बात नहीं, हम जानते हैं तुम्हारे इस शर्म के पर्दे को कैसे उठाना है, खूब जानते हैं। हाँ, तो मत भरा गाना सुना दो। नहीं स्वामी, क्षमा चाहती हूँ, आज मैं गा नहीं पाऊंगी। मगर बाजा तो बजा सकती हो, है? बाजा बजाना इस शब्द का अर्थ समझती हो? कमाल है, पहली रात को कोई भी फालतू गाने में समय गवाएगा? उही, हम तो एकदम उल्लू निकले, अब हम और बेवकूफी नहीं करेंगे। अच्छा तो अब हम बाजा बजाना शुरू करें। बाजा, बाजा, बाजा। गांव के किशोर कुमार ने आत्महत्या कर ली। पहले ठाकुर ने मुझे कुमार से छीन लिया, फिर मौत ने मेरे कुमार को मुझसे छीन लिया। अपने मन की ज्वाला बुझाने के लिए मैंने ठाकुर को पागल बना दिया और उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। ठाकुर चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि मैं पागल नहीं हूं, मगर मेरे मन में उनके लिए कोई हमदर्दी ना थी क्योंकि मेरा मन मर चुका था। बदले की भावना और अकेलेपन ने मुझे भी पागल बना दिया। यही वजह है कि मैं तुमसे कभी कभी अजीब बर्ताव करती हूँ, मगर जब होश आता है तो महसूस करती हूँ कि वो गलत था। मैं क्या करूँ, मैं वो फूल हूँ जो आज तक किसी के हार की शोभा न बन सका। कुमार, मेरे कुमार को उस जालिम ने बेदर्दी से मार डाला। उस दिन से मैं ठकुराइन बन गई और मैंने हुकूमत करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि मेरे पति पर भी मेरी ही हुकूमत है। आज पागल बनाकर मैंने उन्हें हवेली के ऊपर वाले कमरे में बंद कर रखा है।
अब चले, शाम हो गई। ये शाम मेरे जीवन की एक नई सुबह है। क्यों, तुम्हें जल्दी है? आओ चले। अरे चमनलाल, मुझे इस तरह बेमौत क्यों मार रहे हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ आपके कहने से क्या होता है? ठकुराइन कहती है ठाकुर साहब में कुछ कमी है, यानी अकल की कमी, इसलिए दूसरे लोग आपको पागल बोलते हैं। अब लोगों की यह गलतफहमी कैसे दूर करूं चमनलाल? कोई चारा नहीं। मेरे लिए। मुझे ये पसंद नहीं। सिर्फ मेरे लिए। इसे खत्म करो कुमार। कुमार, मुझे माफ कर दो कुमार। मैं अधेड़ उम्र वाली एक पत्नी हूं, एक कुंवारी पत्नी। मेरी उम्र के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, मगर जब तुम मेरे सामने होते हो तो वो कुमार बन जाते हो और मैं फिर से वो 17 साल की लड़की बन जाती हूं। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या ये इस्तीफा मैं भर सकती हूं? मोहब्बत का दर्द क्या है
तुम्हें पता नहीं कुमार, मेरा दिल पहले से किसी का हो चुका है। कौन है वो लड़की? गांव में मेरे घर के पास रहती है। अब तक ब्याह क्यों नहीं किया तुम दोनों ने? मैं एक गरीब घर का हूँ, मगर वो वहाँ के जमींदार की अगलौती बेटी है। तुम इस साल कॉलेज जाने वाली हो और इसी साल मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, जिसका मुझे बहुत दुख है। तुम्हें बीए में डिस्टिंक्शन मिला है। डैडी से कहो कि तुम एमए करना चाहते हो। मैं उनसे कैसे कहूँ रमा, पिताजी ने बड़ी मुश्किल से बीए तक मुझे पढ़ाया है, जिसके लिए बहुत से लोगों से खर्च भी लिया है उन्होंने। माँ अक्सर बीमार रहती है, एक बहन है जो ब्याह के लायक हो चुकी है, आखिर वो भी क्या करेंगे। तुम पढ़ लिख के कुछ बनो। मेरा कॉलेज जाने का जरा भी मन नहीं। मेरी तो एक ही तमन्ना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं बस। तुम्हें पता नहीं हमारे बीच एक दीवार है, पैसों की दीवार। तुम्हारे घर वाले मुझे अपना दामाद नहीं मानेंगे। अगर मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ तुमसे। ये सब खोखले अल्फाज है। ये अल्फाज नहीं, पत्थर की लकीर है राम। कल सुबह मैं कॉलेज जा रही हूँ, हॉस्टल में रहा करूंगी। अब तो छुट्टियों में ही आऊंगी। कल मुझे छोड़ने आओगे? चलो हम चलते हैं, आज रमा कॉलेज नहीं आएगी। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तुमसे मिलने या किसी और से मिलने? हो सकता है तो जान ले लूंगी मैं। तुम कब आए? मैं रात के पैसेंजर ट्रेन से घर से निकल पड़ा, सुबह से यहाँ बैठा हूँ, तुम नहीं आई। वापस जा ही रहा था कि तुम आ गई। सुबह से तुम यहाँ बैठे हो? हाँ। रात को गाड़ी में कुछ खाया कि नहीं? नहीं खाया, मुझे मालूम है। होटल में जाके नाश्ता क्यों नहीं किया? तुमसे क्यों झूठ बोलो, आने जाने के लिए सिर्फ टिकट के पैसे ही मेरे पास थे, फजूल खर्च कैसे करूं? लौटना मुश्किल हो जाता। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या बात है? मेरे पिताजी मुझसे कह रहे थे कि वो तुम्हारे पिताजी से मिलकर हमारी शादी की बात करेंगे, और उन्हें मंजूर है तो फौरन हमारी मंगनी भी कर देंगे। मेरे पिताजी जरूर मान जाएंगे, पुराने जमाने से वो दोनों गहरे दोस्त हैं। तुमसे पूछ लिया तो? क्या जवाब देना है मैं जानती हूँ, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्लास शुरू हो गई है, अब मुझे जाना है वरना लेट हो जाऊंगी। इसे रख लो, जाके नाश्ता कर लेना। के रिश्ते को तुम्हारे पिताजी ने इनकार कर दिया। माँ ने बताया। मैं तुमसे मिलके विदा लेने के लिए ही अब तक रुक गया था। कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ, नौकरी की तलाश में। कोई बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद ही मैं लौटूंगा। क्या तुम मेरा तब तक इंतजार करोगी? जब तक मेरी जान में जान है मैं इंतजार करूंगी। नहीं रमा, ऐसे बंधन में न बांधो अपने आप को। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने तक भी अगर मैं लौटा नहीं फिर मेरा इंतजार न करना। मैं आज रात की गाड़ी से जा रहा हूं। दो तीन बरस तक मैं नौकरी की तलाश में घूमता रहा, आखिर में गोमतीपुर में मैं गोपाल जी से मिला, जिनका खत लेकर मैं यहां आया। अब तो तुम बड़े होदे पर आ गए हो ना? वो तो ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं, कल ही एस्टेट जीप लेकर गांव चले जाओ। ब्याह के लिए जितने रुपए चाहिए ले लेना, फौरन उसे ब्याह करके यहाँ ले आओ। मैनेजर का बंगला हम तैयार रखेंगे, तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों, इसी में हमारी खुशी है। इस तरह हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। जितने रुपए चाहिए वो ले लिए ना जी, और भी जरूरत पड़े तो फोन करना। गाड़ी ले लो। ठीक है।
मुहूर्त का दिन ज्यादा दूर हो तो तुम यहाँ आकर बाद में चले जाना, तुरंत ब्याह हो जाए तो साथ में ले आना उसे भी। तुम जब अपनी दुल्हन के साथ आओगे तब हवेली में हम जश्न मनाएंगे, आने से पहले हमें खबर कर देना। जी जरूर। खुशी से जाओ। पति मारी गई थी जब मैंने शादी के लिए मना किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अजी देर आयत दुरुस्त आयत, मेरी तरफ से बात पक्की, आज ही मंदिर जाके मैं सारा इंतजाम कर देता हूँ। शुभ काम में अगर देरी ना हो तो बेहतर है। ये शादी होते ही गीता के लिए भी तो कोई वर ढूंढना पड़ेगा, आखिर दोनों एक ही उम्र की तो हैं। राम बेटे जरा यहाँ आना। अरे दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं, थोड़ी देर बात तो करने। सब्र नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, अब मुझसे और सब्र नहीं होगा। मैंने तुम्हें पाने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, अब जाके मेरी किस्मत चमकी। मुझे किस्मत पर नहीं तुम पर भरोसा था कुमार, एक न एक दिन तुम मेरे पास लौट आओगे और मुझे अपनाओगे, इसका मुझे पूरा भरोसा था। इतना भरोसा है मुझ पर? अब तो बड़े आदमी बन गए हो। उस दिन नाश्ते के लिए जो पैसे दिए थे पहले वो लौटा दो। ये लो। सदा सुखी रहो। जीती रहो बेटी। बेटी औरत घर का चिराग होती है, ये मत भूलना। बेटे राम, आज तक रमा को मैंने जमीन पर नहीं अपने पलकों पे पाला है, अब खुशी से जाओ। अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, आइए पधारिए। आइए। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारी पसंद लाजवाब है, मेरे पास आओ। आओ तुम हमें पराई न समझो, कुमार हमारा मैनेजर जरूर है मगर तुम हमारे लिए बहन की तरह हो। चमनलाल जी, दुल्हन को पीने के लिए क्या दिया जाए? चाय है, कॉफी है, हॉर्लिक्स है, पाइनएप्पल जूस है। शहद घर में है? जी है। एप्पल जूस में शहद और बर्फ मिलाकर फौरन ले आओ। जो हुक्म। एप्पल जैसी दुल्हन को एप्पल जूस देना चाहिए। सच्चा चल। आज तुम दोनों हमारे साथ खाना खाओगे। बैठो कुमार। आओ रमा बैठो। दामू जी, इनकी देखभाल तुम्हारा जिम्मा है जी। ये हमारा कुक है, बड़ा वफादार है। कुमार कल दफ्तर जाके तुम पिछले महीने का हिसाब पूरी तरह देख लेना। चाय की पत्ती जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसकी क्वालिटी तुम खुद चेक करना, पिछली बार उनकी शिकायत आई थी। रमा कुमार के दफ्तर जाने के बाद तुम यहाँ अकेली बैठी क्या करोगी, हमारे पास आ जाना। चलो ड्राइवर। कितनी अच्छी है वो, मालकिन होने का घमंड ही नहीं। हमारी सहूलत का सारा इंतजाम करके उन्हें खुशी मिल रही है, लेकिन उनके मन का दर्द कौन जाने। कैसा दर्द? उनका दर्द छोड़ो, फिलहाल तुम मेरे साथ आओ। आओ। दर्द क्या होता है अभी तुम्हें पता चलेगा। देवी माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, रमा और कुमार को सारे सुख
और संपत्ति देना देवी माँ। मैं पागल नहीं हूँ ठकराए, मुझे कमरे में इस तरह बंद मत करो, मुझे बाहर जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। चंद्रपाल, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बाहर जाने दो, मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा। हाँ, कहा पागल नहीं है, आप नीचे उतरिए, चुपचाप यहाँ लेट जाइए। आप चुपचाप नहीं लेटेंगे तो मजबूरन हमें आपको बांध के रखना पड़ेगा, बेकार में हमारे पेट पर लात मत मारे। चंद्रपाल, ठाकुर साहब के सामने उन्हें पागल मत बोल। हाँ। ठाकुर साहब पागल तो है, क्योंकि ठकुराइन ने हमसे कहा है कि ये पागल है, तो ये पागल है या नहीं, हमारे लिए तो ये पागल बिल्कुल पागल है। इतना शोर क्यों मचा रहे ठकुराइन? जरा मुझे बाहर छोड़ दो, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं पागल नहीं हूँ ठकराए। जब से हम आपको देख रहे हैं तब से आप पागल हैं। उसी पागलपन की आग में हम भी जलकर राख हो गए हैं ठाकुर। ठकराए, मुझे नींद नहीं आती। यही पागलपन की निशानी है, हम थोड़ी विस्की भिजवा देते हैं, वो पीकर सो जाइए, बाहर निकलने की कोशिश न कीजिए। कुछ भी हो जवाहरलाल, ठकुरायल मुझे प्यार करती है। जब मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती तो वो विस्की भिजवा रही है, बस वही काफी है। आइए वहां ले लीजिए। यहाँ बिस्तर पर लेटे, मैं जाके विस्की लाता हूँ, आराम से लेटे। नींद नहीं आती, इसे पीकर चैन से सोएंगे। चमनलाल जी, ठकुराइन ये ले जाकर दे दो। चाय? ठाकुर साहब को दूध दे दिया? दुर्गा प्रसाद लेके गया। ठकुराइन, ठाकुर साहब उठ नहीं रहे। क्यों? वो चल बसे ठकुरा, तुम्हें यकीन है कि वो गुजर गए? यकीन है। कुमार को मेरे पास भेज दो। कमरे से बाहर नहीं जा सकते, पूरे रीति रिवाज के मुताबिक उनका शव संस्कार करना चाहिए। चंदन की लकड़ी का इंतजाम करो, अस्थियों को त्रिवेणी संगम और गंगा सागर में बहाना होगा, यही हमारी रीत है। हम उनके नाम पर एक चैरिटी ट्रस्ट खोलेंगे, तुम शव संस्कार का इंतजाम करो। कुमार, रमा तुम यहीं रुको, अंदर मेरे कमरे की अलमारी से दवा की शीशी खोलकर एक लाल रंग की गोली और एक सफेद गोली लेकर आना, एक गिलास पानी भी। अकेले बैठकर बोर हो रहे थे इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। रमा नहीं आई? जी नहीं। हमने सोचा कि तुम दोनों आओगे। दिन तो कट जाता है लेकिन रात हमें काटने को आती है, रात का एक एक लम्हा एक एक युग लगता है। जब तुम हमारे साथ होते हो इन लम्हों में मस्ती आ जाती। ठाकुर की रखेल बनकर जब से इस हवेली में हम आए तब से किसी ने हमारा साथ दिया है या नहीं, एक ने जरूर दिया है, इस शराब ने। मैं नहीं पीऊंगा। पहले तो पीते थे। रमा को शराब पसंद नहीं। रमा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करोगे? मेरी सब कुछ वही तो है। वो लड़की बड़ी खुशनसीब है जिसके तुम पति हो। वो भी तो मुझे चाहती है। हाँ, अब तुम जा सकते हो। रमा इंतजार करती होगी, कल उसे यहाँ भेज देना। जी भेज दूंगा।
बसे, माँ भी नहीं रही, हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारा इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो सिर्फ तुम दोनों, इसीलिए तुम्हारी राय पूछे बिना ही हमने अपनी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों के नाम लिख दी। ऐसा क्यों किया आपने? कल हमें कुछ हो गया तो पूरी जायदाद सरकार की हो जाएगी कुमार। तुम दोनों हमारी देखभाल में कोई कमी नहीं रखोगे, इसका हमें यकीन है। जरूर देखभाल करेंगे, मगर उसके लिए जायदाद की क्या जरूरत है? जिसके हम हकदार नहीं वो जायदाद जबरदस्ती क्यों दी जा रही है? कुछ अजीब सा लगता है। हमारी जायदाद पे किसका हक है इसका फैसला हम करेंगे। ये जायदाद ठाकुर साहब की है, ये बात ठकुराइन भूल रही है। इस हवेली की और ठाकुर साहब के कुछ और भी वफादार यहाँ मौजूद हैं। बकवास बंद करो, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। कुमार अब तो बस हमारी एक ही तमन्ना है, रमा जल्द से जल्द माँ बने, वो बच्चा हमारा होगा, उसे हम पालेंगे, उस बच्चे की एक मुस्कुराहट पे हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे।
क्या बात है कुमार? आज सुबह की फ्लाइट से वहाँ गया तो टेंडर सबमिट करके कल ऑफिस खोलने से पहले लौट सकता हूँ। कल मेरा दफ्तर में होना जरूरी है। अपने बदले तुम वहाँ किसी और को नहीं भेज सकते? जी नहीं, इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं। ये मेरे लिए प्रेस्टीज इशू बन गया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह ही मैं लौटूंगा। तुम चाहो तो हवेली में जाके सो जाना। एक दिन की तो बात है, मैं यहीं सो जाऊंगी। दामू, रमा अकेली है, रात को दारू पीकर सड़क पर नहीं लेट जाना, समझे? अपनी जिम्मेदारी में खूब समझता हूँ। इस दामू की मर्जी के बिना यहाँ पर मक्खी तक नहीं घुस सकती, और फिर अगर कुछ हो भी गया तो तकदीर समझकर दिल को तसल्ली दे लेना। दामू, हम सब यहाँ मुद्दत से काम करते आ रहे हैं। तो ये हवेली और सारी जायदाद तेरी ठकुराइन ने नए मैनेजर और उसकी बीवी को दे दी। जो दे दी तो दे दी, उससे तुझे क्या मुझे क्या। ठकुराइन की जायदाद है, जिसको चाहे उसको दे सकती है। ठकुराइन की जायदाद? ये कोई ठकुराइन की जायदाद नहीं। ठाकुर साहब ठकुराइन को ब्याह करके नहीं लाए थे, वो सिर्फ उनकी रखेल थी। तो क्या ये जायदाद मेरी और तेरी है? फिर क्या, ये मैनेजर का बच्चा यहाँ कल आया है। मगर दामू, मेरी बात की गांठ बांध ले। कोई भी फैसला किए बिना ये चमनलाल चैन से नहीं रहेगा। अबे फूट यार से। अब कौन कौन फुटास की गोली खाने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ देख लेंगे। हाँ तू क्या देखेगा? अबे तू जा। ठकुराइन, ठकुराइन। क्या बात है? कल रात मैनेजर का घर किसी ने लूट लिया। लूट लिया? दामू को मार के वरंदा में छोड़ दिया। क्या? मैनेजर की बेबी को भी मार दिया ऐसा बताया। ये तुमसे किसने बताया? वहाँ भीड़ लगी हुई है, उनमें से एक ने मुझे बताया। मुझे बहुत डर लग रहा है। रमा का खून कौन किया? लुटेरों का काम है ऐसा कह रहे हैं सब लोग। जायदाद उनके नाम की, तभी मैं जानता था कि जरूर कुछ होने वाला है। उस दिन मेरी बात की किसी ने कोई परवाह नहीं की। दो तीन बक्से तोड़े हुए हैं सर, जेवर और पैसों के अलावा कुछ भी चोरी नहीं हुआ। बाथरूम में खून भरा हुआ है, बॉडी टब में गिरकर काफी खून बह चुका है। मौका ही वारदात तो आप देख चुके हैं। ठीक है, तुम जल्दी से FIR तैयार करो। यस सर। और फिंगरप्रिंट लैब को भेज देना। राइट सर। रमा तो एक मासूम लड़की थी, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मर्डर का मकसद चोरी ही होगा। केस की तहकीकात खत्म होने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे वास्ते कातिल ने कुछ न कुछ सबूत छोड़ा ही होगा, यकीनन। हाँ, आप थक गए होंगे, जाकर आराम कीजिए। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। ठीक है। ए, रुको, इधर आओ। कल रात को 10 और 12 बजे के बीच तुम कहाँ थे? वो सच बताओ। मैं तो हवेली में ठकराइन के साथ ही था। लेकिन वो तो कुछ और कहती है। वो तो उन्होंने मजाक में कहा होगा। राम कुमार और रमा के नाम जब उन्होंने जायदाद लिख दी तो तुम्हें इतराज था, ये भी उन्होंने कहा? मेरे मालिक, मेरी मानिए, मैं कल रात मेरे घर गया हुआ था। थोड़ी देर पहले तूने कहा कि हवेली में था। वो भी सच है। कांस्टेबल,
इसे थाने ले जाओ। माए बाप मैं सच्ची तो कह रहा हूँ। सच्चाई तो तुम आओ। अरे मेरी बात मानिए साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। कुमार क्या हो गया समा? दामू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को फिर से उलझन में डाल दिया है। मिस्टर रामकुमार, दामू की मौत तो जहर देने से हुई है और मरने के बाद ही सीने में चाकू मारा गया है, यह बात जाहिर हुई है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब पता चले तो केस सुलझ जाएगा। मेरी रमा को मारने वाला कोई भी हो, उसे कानून के सामने लाना होगा। क्या आप रमा को सचमुच प्यार करते थे? आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? या किसी पराई औरत से आपका संबंध रहा है? जी मिस्टर कुमार, इस केस के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सारी बात मुझे बताइए। इतना ही नहीं, जब से आप इस एस्टेट में आए हैं तब से क्या क्या हुआ ये भी मुझे जानना है। यस सर। थाने चलिए। काटने लग गई, मुझे भी सहारे की जरूरत पड़ गई इसी शराब की। अच्छा बैठो। लगाकर भी क्या करेंगे? क्या रमा लौट आएगी? उसे जाना था, वो गई। हमारे काम से अगर तुम नहीं जाते तो ये सब नहीं होता। अगर के बारे में फिक्र करने लगे तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। तुम्हारे मन की हालत हम समझ सकते हैं। जल्द ही तुम्हें दूसरा ब्याह करना होगा। दूसरे ब्याह के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। जिंदगी से यूं मुंह ना मोड़ो कुमार। दूसरा ब्याह करके खुशियों से भरा घर तुम्हें फिर से बसाना होगा। सोचो तो हम दोनों के दुख एक जैसे हैं। जिसे हमने मन से अपना माना उसके साथ एक दिन भी रह न सके। तकदीर के आगे हमें झुकना होगा। और तुमने जिसे अपनाया उसे तुमने खो दिया। जी हाँ, हम दोनों बराबर हो गए। मरने तक अगर हम दोनों इसी तरह रह सके तो। मेरी रमा मर गई, अब आपको छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं? कहीं मत जाओ, कहीं भी नहीं, यही ख्वाहिश है हमारी।
दुखी आत्माएं जब आपस में मिलती हैं, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। कुमार, आज हम कुछ ज्यादा पी गए, अब हम आराम करेंगे। मैं भी आराम करूंगा। हो गई, आज मेरा कुमार मुझ में समा गया। अब कभी तुम मुझे छोड़कर मत जाना, कभी नहीं, वादा करो कुमार। मैंने पहले ही कहा था ना, मैं कहां जाऊंगा। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आज मैं जान गई रात के लम्हों में कितनी मिठास है। ये कुछ दिन पहले लगा था, बड़ा घाव है ना। ये लगा कैसे? एस्टेट में बाढ़ का कांटा लग गया। Thank you.
नहीं नहीं, तुम रमा नहीं हो, यकीनन तुम रमा नहीं हो। मुझे गौर से देखिए। कुमार कहाँ है? गेट के बाहर, वो किसी से बात कर रहे हैं। नहीं, तुम रमा नहीं हो। काल है रमा का भूत। मैंने कत्ल किया। मुझे कुछ मत करो। एक गिलास पानी दो। पानी मांगो। मेरी रमा अभी तक जिंदा है। कुमार, हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये रमा नहीं है। हकीकत से मुना फेरी है। ब्याह होकर जब हम यहाँ पर आए, तब आपने एप्पल जूस में शहद मिलाकर मेरा स्वागत किया था। उस दिन आपने हरे रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई थी। रमा आपके आगे अचानक आ गई, इसलिए आप चौंक गई। कोई बात नहीं। क्या फौरन आ जाऊं? ठीक है, अभी पहुंच जाता हूं। जो भी गोलियां खानी है खा ली। वो लाल गोली और सफेद गोली मैं ला के दूं? तुम रमा हो, ये साबित करने की कोशिश मत करो। तुम रमा नहीं हो। मैं रमा ही हूँ, मुझे छू कर देखो। नहीं, आगे मत बढ़ो, तुम रमा नहीं हो। हम आपसे झूठ क्यों बोले? ये मेरी पत्नी रमा है। नहीं 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 नहीं, रमा नहीं, ये रमा का भूत है। भूत जगती रमा नहीं, रमा पिता नहीं है। क्या मतलब? ये रमा नहीं है। नहीं, रमा मर चुकी। नहीं, मर चुकी। मैंने उसका खून किया। मैंने। जब तुम कलकत्ता गए थे उसी दिन, कौन है वे? कब गए? आप इतनी रात गए? रमा कहाँ है? अंदर है। अब यहाँ कुछ होने वाला है, तुम हमारी मदद करोगे? तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। कल 2 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे। क्या 2 लाख रुपए देंगी? हाँ, 2 लाख रुपए। तुम हमारी मदद करोगे? इस दामू ने आपका नमक खाया है तो नमक की कीमत भी चुकाएगा। ठकुराइन ने दामू को काम दिया, दामू ने काम किया। ठकुराइन एक बार हुक्म दे तो दामू अपनी जान भी देने को तैयार है। हाँ, हमारी बात सुनो, हम यहाँ आए नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं। ठकुराइन यहाँ आए नहीं, दामू ने कुछ देखा नहीं। Thank you.
हम उन्हें कुछ देखा नहीं। कुछ जोर की चीख सुनाई दी थी ठकुराई। तुमने कुछ नहीं सुना? नहीं, दामू ने कुछ नहीं सुना। तुमने कुछ लिया? ठर्रा लिया। वो छोड़ो, अंग्रेजी पियोगे? कौन देगा दामू को अंग्रेजी? हम तुम्हें देंगे। ठकुराई देंगे तो पियोगा? तो हमारे साथ आओ, गाड़ी में रखी है। ठकुराई आज तो आप देंगे लेकिन कल? कल सुबह 2 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे। तो कल से ठकुराई की फोटो के सामने बैठकर दामू रोज अंग्रेजी पिए। आवाज सुनाई दी, जरा देखो तो। वहां तो कुछ नहीं है ठकुराए। इसे पी लो। थोड़ी और लो। बस बस। रमा और दामू के खातिर ही नहीं, इससे पहले हमने अपने पति को भी खत्म किया। विस्की में जहर मिलाकर जान ले ली उनकी। हमें पहले से आप पर शक था मिसेज राबी ठाकुर। आपके गर्दन में अब इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं, इसे निकालिए। कार बांधना कब से शुरू किया? रमा की मौत के दूसरे दिन से, है ना? ये बात हमें चमनलाल, मिस्टर कुमार और दूसरे लोगों से पता चली। हाँ, मिसेज रागिनी ठाकुर, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। हम एक कातिल हैं, जल्दी हमारे किए की सजा हमें दिलवाई इंस्पेक्टर। मौत हमारे लिए मौत नहीं, छुटकारा है जाली जिंदगी से। निष्किता, पुलिस डिपार्टमेंट आपका आभारी है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। ये रमा नहीं, गीता है। गीता और रमा दोनों हम शक्ल जुड़वा बहने हैं। चलिए।